हेलो एक्वेरियम हाउस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिश एक्वेरियम इंडिया में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रीडिंग बॉक्स। हमारी जो सिकलेट है बनाना फिश, उसने बच्चे दिए हैं, तो हम उसके लिए आज हम ब्रीडिंग बॉक्स बनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लें और हमारे फिश एक्वेरियम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के फिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रीडिंग बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये स्टिंग की एक बोतल चाहिए होगी। तो इस बोतल को आपने आधा हाफ कट कर लेना है। तो मात्र हम 20, ये 20 रुपए की स्टिंग की बोतल आती है, 20 रुपए में हम ब्रीडिंग बॉक्स बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, देखिए अब ये एक सावर में लगने वाला सावर, जो हमारे टैप में लगने वाला सावर होता है, तो इसको हमने लेना है। तो इसके अंदर हमने इसको फिट कर लेना है, इसके अंदर हम इसे फिट कर लेंगे। इसको थोड़ा सेट करने के बाद में इसके अंदर हम इसे बिल्कुल फिट कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमें ध्यान रखना है कि ये हिले ना, तो हम इसके लिए पहले बॉन्ड का यूज करते हैं। बॉन्ड आप फेविक्विक भी ले सकते हैं, इसके लिए फेविक्विक से इसे अच्छे से ग्लू कर लेते हैं। इसे देख लेते हैं ये हिले ना फ्रेंड्स, अगर ये हिलेगा तो प्रॉब्लम होगा, बच्चे जो है सारे नीचे गिर जाएंगे और कोई फिशेज उसको खा लेगी। तो इसे अच्छी तरीके से आपको बॉन्ड से चिपका लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें एक आपके पास ग्लू होगा, ग्लू गन होती है, तो ग्लू गन से इसको अच्छे से फिल कर लेना है। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके किचन में मिलता है। तो इसमें मैं कर रहा था, थोड़ा सा ये ख़राब हो गया, इसमें गर्म पानी मैंने डाल दिया, तो ये ख़राब होने की वजह से इसमें मैं नहीं कर सकता। तो मैं इस स्ट्रिंग की बोतल को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग की बोतल पड़ी हुई थी, तो उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो नीचे हम इसको संभाल के रखेंगे, ढक्कन को जो है संभाल के रखेंगे। तो इसका जो ऊपर वाला, जो सावर का ऊपर वाला पार्ट है, हम इसको इसके ऊपर सेट कर लेंगे इस तरीके से। तो अभी हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ग्लू कर लेना है, अच्छे से ग्लू कर लेना है। मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में फ्रेंड किया है फ्रेंड, थोड़ा सा मेरे को निकलना था तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया, तो आप थोड़ा सा सफाई से करें। तो अभी थोड़ा प्लान चेंज हो गया फ्रेंड्स, मैं एक बोतल की जगह मुझे दो बोतल यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि वो सावर काम नहीं किया, तो इसलिए दो बोतल से मैंने फील किया कि थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए दो बोतल एक दूसरे के अंदर ये घुस जाएंगी, तो ये एक दूसरे के अंदर इजीली सेट हो जाएंगी, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसलिए दो हमने स्ट्रिंग की दो बोतल को यूज़ कर रहे हैं हम। तो अभी हम इसको अपने एक्वेरियम में लगा कर देखते हैं, सेट करके देखते हैं कि किस तरीके से। अभी हमने इसको सेट कर लिया फ्रेंड्स, हम जो हमारी जो फिशेस हैं, हम मैंने अपने जो बनाना फिशेस हैं इस डब्बे में रखी हुई थी, तो हम इसको अब अपने इसमें शिफ्ट करेंगे, जो हमने नया ब्रीडिंग बॉक्स बनाया, तो इसमें सारे फिशेस को हम इसको इसमें शिफ्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बनाना फिशेस हैं ये। अभी आपने इसमें क्या करना है, एक एयर बबल स्टोन लगा देना है। तो उससे दो फायदे होंगे, पहला फायदा तो क्या होगा कि आपका जो एयर बबल स्टोन जो है आपका पानी को अंदर खींचेगा, हमारी फिशेस को फ्रेश एक्वेरियम का जो वाटर है जो आपका वो मिलता रहेगा, और सेकंड उनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो ये लगाना भी जरूरी है। अभी क्या है, मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने क्या किया, कुछ मछलियों को बनाना फिश के मुंह से निकाल दिया है, और आधी मछलियां मेरे ख्याल से, मतलब कुछ मछलियां मैंने बनाना फिश के मुंह से निकाली है, सारी मछलियां निकाली है। तो ट्राई करने के लिए कि उसके मुंह में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है या ब्रीडिंग बॉक्स में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। बेल फिश का तो इसमें किया हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ इसमें बची हैं। तो अभी अंबुना सिकलेट का मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इस ब्रीडिंग बॉक्स में। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका अपडेट आपको आ जाएगा। तो अभी तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।